संसारी विकारों में जीता है और जो अविकारी है वह विकारों को जीतता है। विकारों में जीता है वह संसारी है, विकारों को जीतता है वह सन्यासी है। कितना आसान है कहना कि विकारों को जीतना, पर इस शब्द को, इस वाक्य को पूरा करने के लिए अनंत काल बीत गए, पर विकार को जीत नहीं पाए। हम ही खुद विकार उत्पन्न करते हैं, उनसे दुखी होते हैं, अनंत संसार में भटकते हैं, नाना भांति के दुख भोगते रहते हैं। समस्या क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुई, हम बखूबी जानते हैं, लेकिन समस्याओं को मिटाने का प्रयास नहीं करते। बाहर की समस्याएं तो हम मिटाते हैं, लेकिन जो मूल जड़ है समस्याओं की, उन कर्मों को मिटाते नहीं हैं। सिर्फ पत्तियां तोड़ते हैं, या यूँ कह दें कि पत्तियों पर पानी देते हैं, जड़ों में पानी नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है कि आज तक हमारे दुखों में कमी नहीं आई। कई बार एहसास होता है, भ्रम होता है कि अब हमने सही रास्ता ढूंढ लिया है, अब हमारे दुख कम हो गए हैं, लेकिन फिर वही धमाके, फिर वही कर्मों के धमाके, कभी पुण्य तो कभी पाप, इस तरह से निरंतर ये सिलसिला जारी है। आखिर हम अपने आप को सुखी रखना क्यों नहीं चाहते, प्रश्न है अपने आप से। हम अपने आप को सुखी रखना क्यों नहीं चाहते? कुछ बोल देंगे, कुछ सोच लेंगे, कुछ ऐसी दुष्कृत क्रियाएं कर लेंगे मन से, वचन से और काया से, और दुखी हो जाते हैं। करते खुद ही हैं, खुद ही वह गलत कार्य करते हैं, फिर इसका फल भोगते हैं। जब फल सामने आता है तो लगता है ऐसा क्यों कर दिया, अब पछताए होत कहाँ, जब चिड़िया चुग गई खेत। सीधा सा एक ही कार्य सारे दुखों से उपरत होने का, सिर्फ एक ही कार्य है, एक ही उपाय है, और वो सीधा सा उपाय यही है, एकत्व विभक्त आत्मा को जानना। जानने के पहले उस पर श्रद्धान करना कि मैं एकत्व एक पने से युक्त हूँ, अपने आप से ही एकत्व हूँ बस, और कोई पर द्रव्य का मुझ में एकत्व नहीं है। सोच में आया, मान्यता में आया कि हम एक हैं, ये मैं शरीर के साथ में एक हूँ, इसको तो अलग मानते ही नहीं है। बच्चे अपन सब एक हैं, हाँ पत्नी पति सब अपन एक हैं, ये मान करके यह जीव सबसे पहला बहुत बड़ा भ्रम पालता है, मतलब एक घड़ा औंधा कर देता है। और एक घड़ा औंधा है तो सारे के सारे घड़े ही औंधे रखे जाएंगे। पहले एक घड़ा तो सीधा करो, स्व का अवलोकन करो कि तू है क्या, आखिर क्या है तू। जब तुझे तेरा पता चलेगा तो जो तू नहीं है उसका भी पता चल जाएगा। सिक्के का ये दोनों पहलू हैं, स्व को जानेगा तो पर को भी जानेगा, और स्व को नहीं जाना तो पर को भी नहीं जानेगा। अब ऐसी बात है, बहुत गहरी बात है, आप लोग कहोगे मानता जी हम तो जानते हैं अपने आप को, बहुत अच्छे से जानते, मैं फलाना चंद हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये घर है, परिवार है, ये सब कुछ, हजारों लाखों की चित्र में भी मैं अपना चित्र पहचानता हूँ, हाँ इतना ज्ञान है मुझे, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, लेकिन ये सब भ्रम है। जिसको तो जान रहा है कि ये मैं हूँ, वो तू है ही नहीं, वो तो सिर्फ देह की पहचान है, देह का नकाब है। तो उसके भीतर में है जो मैं का संवेदन हो रहा है, मैं प्रत्येक समय, अभी भी आपको संवेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है अपने आप का, है ना, जो अपने आप का एक संवेदन कि ये मैं हूं, ये जो संवेदन करने वाला तत्व है वो मैं हूं, मैं आत्म तत्व हूं। उसमें भी शरीर के साथ में संवेदन करने वाली जो परिणति है, वो परिणति तेरी विभाव परिणति है।
मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, अहम इक्को इक्को, बस मैं एक हूँ, एकत्व हूँ। और कोई मिला है क्या? नहीं नहीं, एक परमाणु भी नहीं, एक परमाणु भी नहीं। सोने में तांबा मिला है ना, अंगूठी तो एक जैसी दिखती है, काय की है? सोने की अंगूठी। कोई ये नहीं कहता कि तांबे की भी है, जबकि कुछ परसेंटेज तो है उसमें तांबे के, है ना। लेकिन कोई कहता है भूल करके भी, अरे कैसे शुद्ध सोने की है ये, भाई तांबे की भी है, मान ले मेरी बात को। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते, इतना बड़ा लांछन मत लगाओ भाई, सोने की है, शुद्ध सोने की। शुद्ध सोने की तो अंगूठी बन ही नहीं सकती है। माना तुम कह रहे हो सोने की है, पर उससे उसमें वहाँ पर तांबा भी है। ये बात अलग है कि तांबा तांबा में है और सोना सोने में है। ये बात समझ में आ रही है ना। जब भी उसको अग्नि के ऊपर रखा जाएगा और प्रोसेस के माध्यम से सोना सारा अलग हो जाएगा, एक एक कण, और तांबे का एक एक कण अलग हो जाएगा। बस इसी प्रकार से हे प्रभु वो दशा मुझे प्राप्त हो, वो ध्यानाग्नि जले, ऐसी ध्यानाग्नि जले कि देह अलग और आत्मा मैं चेतन स्वरूप, अनंत गुणों का धाम, अनंत ज्योति का गोदाम, ऐसा वो मैं अलग दिखूं अपने आप को, वो दशा मुझे प्राप्त हो। तो ध्यानाग्नि कौन जलाएगा? खुद ही जलाएंगे। जब कोई उपसर्ग आएगा तब हम भी ध्यान कर लेंगे, जैसे पांच पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुआ था तो ध्यान लग गया उनका, तो प्रतीक्षा करो उपसर्ग की, फिर कि कोई करेगा उपसर्ग। क्या तुम कम उपसर्ग कर रहे हो अपने ऊपर? सोचो 24 घंटा तुम अपने ऊपर उपसर्ग कर रहे हो। हम ही अपने ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं। जो हम हैं वो हम अपने आप को मान ही नहीं रहे, जान ही नहीं रहे, इससे बड़ा उपसर्ग और क्या होगा। जो तुम चेतन आत्मा और शरीर मान रहे हो, माँ मान रहे हो, किसी का पिता मान रहे हो, बस उसी में ही 24 घंटा उपयोग तुम्हारा लगा हुआ। एक पल के लिए भी उपयोग पर से हट करके मात्र नहीं, केवल देहातीत, मैं सिर्फ विदेह स्वरूप एक शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व हूँ, वहाँ पर उपयोग आता ही नहीं, क्योंकि उपयोग ने रास्ता देखा ही नहीं है। अंदर में जो भेद ज्ञान का रास्ता है वो इस उपयोग ने देखा ही नहीं, तुमने कभी दिखाने का प्रयास किया ही नहीं। बेटे से कहा चलो बेटा लंदन घूम के आते हैं, हाँ घूम करके आते हैं, चाइना जाते हैं, चलो यूएसए जाते हैं बेटा, कभी देखा नहीं है ना, बहुत मज़ा आएगा, चलो बेटा घूमने के लिए चले गए। जैसे कि कोई यात्रा के लिए जा रहे हो, उससे अनंत गुना खुशी होती है ज्ञानी जीव को। हाँ हाँ, कभी नहीं गए हम इतने देश घूम करके आए। इतने देश घूमने में कितने साल लगे तुम्हें? 25 साल लगे। और निज आत्म तत्व के असंख्य प्रदेशों पर जाने के लिए एक अंतर मुहूर्त लगता है। कितना? एक अंतर मुहूर्त, बस ज़्यादा वक्त लगता ही नहीं। पर शर्त यह है कि उपयोग ने वह रास्ता देखा हो, वो पथ देखा हो। पथ कैसे देखे? इंटरेस्ट हो तो इंटर होना, इंटरेस्ट ही नहीं है तो इंटर कैसे होगा, प्रवेश कैसे होगा, अंदर तक जा ही नहीं पाता। थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लिया, पूजा पाठ कर ली, बस आज का तो बहुत हो गया। हाँ, विषय भोगों में ऐसा होता है कि अब बहुत हो गया? नहीं, धन कमाने में लगता है कि अब बहुत हो गया? नहीं, और चाहिए भैया, और का कोई छोर नहीं है। वासना में तो वास है ही नहीं, ठहराव है ही नहीं, लेकिन धर्म ध्यान के विषय में बस बहुत हो गया। पढ़ लिया ना, स्वाध्याय कर लिया, और कितना करेंगे, ज़्यादा नहीं होता, करने वाली बात ही नहीं है। ये तो होता है अंदर से, रुचि जागृत होती है। और जब तक मैं अपने आप को न जानूं, मैं जब तक अपने आप का संवेदन न करूं, तब तक मुझे रुकना ही नहीं है।
जब मेरी रुचि मुझे पथ दिखा रही है तो मैं क्यों रुकूं? मुझे जाना है जब तक कि मेरा जीवत्व सिद्धत्व के रूप में परिवर्तित ना हो जाए, शुद्धत्व के रूप में प्रकट ना हो जाए, तब तक मुझे अनवरत चलना है बस। और मुझे मेरा सुख संवेदित करना है जिसको मैं आज तक नहीं कर पाया। इंद्रियों के माध्यम से पराधीन होकर के सुख भोगता रहा, लेकिन अब मुझे अपने निज आत्मिक सुख का भोग करना है, संवेदन करना है। यानी मेरा उपयोग निज आत्मा को जाने, उस वक्त जो सुख संवेदित होता है बस मुझे उसका संवेदन करना है। खाने में मन की चीज आ गई और उसमें सुख संवेदित हो रहा है तो झूठा है, पर के अधीन है, कोई वास्तविक सुख नहीं है। जिनेंद्र देव कहते हैं, तेरा सुख तुझ में रहा ऐसा श्री जिनवर ने कहा, निज में आ ओ मेरी चेतना, निज में आ ओ मेरी चेतना। जिसकी चर्चा करने में भी इतना सुख लगता है, कितनी शांति महसूस होती है। सोचो कि मेरा उपयोग मुझ में लग गया है, सब पर द्रव्यों से पृथक विभक्त, नीच से एकत्व, बस तल्लीन हो गया मेरा उपयोग मुझ में। उस वक्त शब्द भी गौण हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। मैं कौन हूँ ये भी प्रश्न नहीं रहता। मैं हूँ बस संवेदन होता है, आत्मा हूँ ये शब्द भी नहीं आता। ऐसी अद्भुत प्रतीति होती है। सोचो जिसकी चर्चा में हम श्वास लेना भूल जाते हैं, धड़कने धड़क रही हैं या नहीं ये हमें पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, इतना आनंद आता है। तो जिसकी चर्चा में इतना आनंद है, उस रूप अनुभूति में कितना आनंद होगा। इसीलिए तो आचार्यों ने कहा है, तीन लोक की सारी विभूति एक पलड़े में, जिंदगी भर तक के सारे किए पुण्य के कार्य एक तरफ, और अंतर मुहूर्त सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक निज आत्म तत्व की अनुभूति की वो एक तरफ। पलड़ा भारी है उसका, अंतर मुहूर्त में आत्मानुभूति जो की है उसका पलड़ा भारी है, उसका सुख ही अलौकिक है, उसकी वैरायटी ही अलग है, किसी से मिलता जुलता नहीं है। तुमने इतना दान किया, पूजा पाठ की, वो पुण्य है, वो पुण्य सहायक है उसमें अगर सम्यक दर्शन है तो, नहीं तो पुण्य तो कटा कर लेता है, भोग लेता है, खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा की अनुभूति जिसने की है, एक बार आत्मा की अनुभूति कर ली सम्यक दर्शन के साथ, आचार्य भगवान कहते हैं उसके लिए अकाट्य नियम हो गया। अब वह ज्यादा जल परावर्तन, इससे ज्यादा एक समय भी संसार में नहीं रहने वाला है। क्या बात है, तो हम सही उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं? बीमार होते हैं, पूछते हैं भैया सही डॉक्टर कौन सा है इस बीमारी का, बता दो। तलाश करते हैं सही औषधि कौन देता है, भैया बता दो। थक गए हैं औषधि खाते खाते, अब तो कोई ऐसा बता दो जो ठीक कर दे। अनंत काल से थके नहीं हो, भटकते भटकते, हाँ माँ बाप बनते बनते, सोचो माँ बाप बनते बनते थके नहीं, किसी के बेटे बेटी बन करके थके नहीं, चाचा चाची बन करके थके नहीं, गृहस्थी बन करके थके नहीं, अरे घर बना बना करके थके नहीं हो क्या चेतन? सोचो पूछो अपने आप से, अनंतो बार यही कार्य किया है। एक बार अंतरंग से थकान लगना चाहिए, लेकिन क्या करो, रुचि है ना,
उसी चीज़ की तो थकान भी नहीं लगती। धर्म का कार्य थोड़ा सा कर लो तो थकान लगती है, बाप रे चार पूजा हो गई अभी दो और करना है, थकान सी लगती है। एक घंटा हो गया सुनते सुनते अभी और सुनना है, थकान लगती है। खाते पीते विषय भोग भोगते सोते कमाते दौड़ते कुछ नहीं लगता, बातें करते जिंदगी बीत गई। सोचा कभी आपने, जब से तुमने बोलना सीखा है तब से एक एक शब्द को लिपिबद्ध करो, आज तक कितना बोल चुके हो, कितना सोचा तुमने अभी तक। मैं जितना बोल रही हूँ उससे कई गुना आप सोच रहे हैं। बोलो सच्ची बात है कि नहीं? ये सब के सब विचार इस जीव को थका रहे हैं, लेकिन अफसोस मोह के कारण से थकान महसूस नहीं करता।